इस कदर ख़ूबसूरती दुनिया की देखकर यह ख़्याल आता है कि अल्लाह ताला ने किस कदर ख़ूबसूरत चीज़ें बनाई हैं हम इंसानों के लिए, लेकिन हमारी नाशुक्री का आलम यह है कि हम जब भी अपनी ज़ुबान को खोलते हैं तो हमारे पास नाशुक्रियाँ करने के अलावा और कोई बात नहीं होती। कभी हमने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया हर उस नेमत पर जो हमें बग़ैर मांगे अल्लाह ताला ने दे दी, और हर उस नेमत पे जो हम मांग के लेते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में कुछ कमियां होती हैं तो फिर हम दुआओं के लिए हाथ उठाते हैं और अल्लाह ताला से मांगते हैं और अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कभी रद्द नहीं करते। तो अल्लाह का हक है कि उसका शुक्र अदा किया जाए और बेहद किया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। रावलपिंडी से फ़तेह जंग जाने का इत्तेफाक हुआ तो रास्ते में मैंने कुछ बहुत खूबसूरत जगहों की वीडियोस बना ली, मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। बहुत ही सरसब्ज इलाका है और माशाल्लाह वैसे भी बारिशों का मौसम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा सब्ज़ा और हर तरफ फसलें और हरियाली, बहुत ही खूबसूरत मनाजिर थे और कुछ जगहों पे पहाड़ भी थे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दिल खुश हो गया सब चीज़ें देख के। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। ऐसी ही जगहें होती हैं जहाँ आप कुदरत को बहुत करीब से महसूस करते हैं। देखें दूर दूर तक आपको कोई इंसान नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल वीराना है लेकिन कुदरत का शोर है यहाँ पे। तेज़ हवा चल रही थी और बहुत ख़ूबसूरत, मुझे ये जगह बहुत प्यारी लगी, सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये जो फ़तेह जंग है ना, ये एक छोटा सा शहर है रावलपिंडी से। अगर आपको कोहाट की तरफ जाए ना तो रास्ते में ये एक छोटा सा शहर आता है और रावलपिंडी। और ये जो फ़तेह जंग का मौसम है ये भी बिल्कुल इस्लामाबाद की तरह है कि अगर एक आध दिन गर्मी ज़्यादा होगी तो फ़ौरन से फिर बाद में बारिश आ जाएगी और मौसम खुशगवार हो जाता है। इस्लामाबाद का और यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। ये बहुत ही खूबसूरत एक जगह है, यहाँ पर साथ ही मस्जिद थी और हैंड पंप जो होता है पानी का नल का, जो जिसको हाथ से प्रेशर डाल के पानी निकाला जाता है, वहाँ पे भी एक ये था। वहाँ हमने कुछ देर रुक के मुँह हाथ अपना धोया और थोड़ा फ्रेश हुए और उसके बाद हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया। जो सुकून मुझे इन जगहों पे मिलता है और जो मेरी जज्बाती कैफियत होती है ऐसी जगहों पे जाकर, वो लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं कर सकती, मेरे पास उसके लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।